हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दसवें दिन भी रेस्क्यू है जारी। सोजत रोड के निकटवर्ती बोरनड़ी बेरा समदड़ा कुएं में मलबे में दबे नरेंद्र के शव को निकालने के लिए दसवें दिन भी रेस्क्यू जारी है। आर्मी के मेजर मनीष के नेतृत्व में DYSP सोजत डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में दसवें दिन भी रेस्क्यू जारी है। कुएं में से करीब 16 फीट मलबा बाहर निकाला गया है और कितना मलबा कुएं में है इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र का शव 15 या 20 फीट मलबे के नीचे हो सकता है। पूर्व सरपंच कैलाश मालवीय सवराड़ के नेतृत्व में पिछले 4 दिनों से 11 मजदूरों की टीम लगातार मलबा निकालने का कार्य कर रही है। कुएं पर करीब 11 लेबर व सेना के जवान काम कर रहे हैं। देसी जुगाड़ से निकाल रहे हैं कुएं में से मलबा बाहर। आज मौके पर सेना के मेजर मनीष व पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, बगड़ी थाना अधिकारी बाबूलाल जांगीड, सोजत रोड थाना अधिकारी अनिल कुमार, सेना के 27 जवान RSC व पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद है। 2 दिन और लग सकते हैं नरेंद्र के शव को कुएं में से बाहर निकालने के लिए। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू का जायजा लिया गया था। वहीं इन अधिकारियों द्वारा सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ से रेस्क्यू की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।